चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन अगर है किसी के माइंड में तो पूछ लें। हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने उसके जो टाइप्स हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर में रखल कर ली थी हमने, रहती है अभी सर्कुलर रहती है? सर्कुलर रहती है, ठीक है वो भी कर लेते हैं। चलिए प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन अगर है किसी के माइंड में तो पूछ लें। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने सर्कुलर क्यू भी की थी। सर्कुलर क्यू में क्या था कि हमारे पास फीफो टेक्निक पे वो काम करती है क्यू, और उसमें जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचता है तो वो लास्ट इंडेक्स नहीं होता बल्कि वो हमारे पास जीरोथ इंडेक्स पे वापस जंप कर जाता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज किया गया और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई गई है। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे काम करती है कि इसमें हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स होता है, दोनों में ये काम कर सकती है सिंगली में भी और डबली में भी, तो जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो नल की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होगा बल्कि वो पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग इंडेक्स की तरफ। मतलब कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा, लास्ट वाली जो नोड होगी उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर होगा उस पॉइंटर में एड्रेस सेव होगा स्टार्टिंग नोड का, फर्स्ट नोड का। बात समझ आई? जी एक बार रिपीट कर दे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम वही जो सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट हम जैसे काम करते हैं सेम वैसी है। इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें फर्स्ट नोड जो है इसके नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है, सेकंड वाले नेक्स्ट के अंदर थर्ड का नोड, थर्ड नोड का एड्रेस है, एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली नोड होगी उसके नेक्स्ट में नल नहीं होगा। सिंगली में क्या था कि यहाँ पे हम नेक्स्ट में नल सेव करते हैं जो लास्ट वाली नोड होती है उसके नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट वाली नोड होगी उसमें एड्रेस सेव होगा नेक्स्ट वाले में, पॉइंटर में एड्रेस सेव होगा स्टार्टिंग नोड का, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। बाकी सेम रूटीन वही होगी, हेड से काम स्टार्ट होगा, फर्स्ट नोड फर्स्ट वाले के नेक्स्ट में सेकंड नोड, सेकंड वाले के नेक्स्ट में थर्ड नोड, और जो लास्ट वाला होगा उस लास्ट वाले के नोड नेक्स्ट में फर्स्ट वाले का एड्रेस। ओवरऑल ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। सेम अगर बात करें डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सेम ऐसी काम होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाली नोड होगी उसके नेक्स्ट में जाएगा सेकंड वाले नोड का एड्रेस, सेकंड वाले के नेक्स्ट में जाएगा थर्ड वाले का एड्रेस, और जो लास्ट वाली नोड होगी उसके नेक्स्ट में आएगा फर्स्ट वाले का एड्रेस, और इसके जो फर्स्ट वाली नोड होगी इसके प्रीवियस में आएगा लास्ट वाले का एड्रेस। ओवरऑल ये एक सर्कल बन जाएगा। मतलब फर्स्ट और जो लास्ट है वो आपस में कनेक्टेड होंगी, फर्स्ट वाली जो होगी उसके नेक्स्ट में सेकंड वाले का एड्रेस होगा और उसके प्रीवियस में लास्ट वाले का एड्रेस होगा। लास्ट वाले की बात करें तो लास्ट वाले के प्रीवियस में सेकंड लास्ट वाले का एड्रेस होगा और नेक्स्ट वाले में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। आई समझ? यस सर। अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें इसके जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का बता रहा है कि इसमें अगर हम बात करें फॉर सॉरी डब्ल्यू नहीं सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर में क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास पहला पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये काम करेगा सिंगली लिंक लिस्ट पे या फिर सिंपल जो लिंक लिस्ट है उस पे। अगर हम बात करें सिंगली लिंक लिस्ट की, इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली नोड है उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा सेकंड वाली नोड का, सेकंड वाली जो नोड होगी उसके एड्रेस में उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लेती हैं फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसमें एड्रेस सेव होगा सेकंड नोड का, जो सेकंड नोड है उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा थर्ड नोड का,
एंड सो ऑन, ये काम चलता जाएगा। और जो लास्ट वाली होगी, लास्ट वाले में एड्रेस सेव होगा फर्स्ट नोड का। अगर हम बात करें डब्ली लिंक लिस्ट की, डब्ली में अगर हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखना हो तो डब्ली में कैसे काम होगा, इसमें चार पॉइंट आपने माइंड में रखनी है। जो फर्स्ट वाली नोड है उसके दो पॉइंट होंगे, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट में सेव होगा सेकंड नोड का एड्रेस, फर्स्ट डॉट प्रीवियस में एड्रेस सेव होगा लास्ट नोड का। और लास्ट वाले का आपने दो पॉइंट रखनी है माइंड में, लास्ट डॉट नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा फर्स्ट नोड का, एंड सेम लास्ट डॉट प्रीवियस में एड्रेस सेव होगा सेकंड लास्ट नोड का। बाकी सेम वैसे ही काम होगा जैसे हम सिंगली या डबली लिंक लिस्ट में काम करते थे। क्लियर है? ये फोर्थ वाला एक दफा एक्सप्लेन कर दे, सेकंड लास्ट नोड वाला। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो है ना, ये लास्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होगी उसके प्रीवियस में एड्रेस सेव होगा सेकंड लास्ट का, इसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा फर्स्ट का, इसके प्रीवियस में एड्रेस सेव होगा सेकंड लास्ट का। सेम फर्स्ट नोड की बात करें तो फर्स्ट के प्रीवियस में एड्रेस सेव होगा लास्ट का और उसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव होगा सेकंड नोड का। ओवरऑल ये एक सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट बन जाएगी या फिर डब्ली लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर। क्लियर हो गया? तो ये दफा रिपीट कर दें सर जी। क्या चीज रिपीट करूं, दोनों या फिर ये सिर्फ सर, ये, सर दोनों, ये जो नेक्स्ट नोट का बता रहे हैं, नेक्स्ट जो प्रीवियस का एड्रेस वाला सर, ये समझ नहीं आ रही। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको जहां पे ये बनी हुई है सिंगल और डब्ली? जी सर जी। इसमें ये फर्स्ट वाली जो है ये है सिंगली लिंक लिस्ट एज अ सर्कुलर। सर्कुलर में क्या करना है कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट ही बनानी है, सेम टू सेम जैसे हम नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट बनाते थे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे हमने ये सिंगल लिंक लिस्ट बनाई थी, इसमें सिर्फ हमने एक चेंज करनी है कि ये लास्ट वाली जो नोड थी इसके नेक्स्ट में एड्रेस सेव था नल का। ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है लास्ट नोड का, इसके एड्रेस में डाटा सेव था नल। हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने इसको खत्म करके इसकी जगह पे हमने इसके एड्रेस में पॉइंट कर देना है स्टार्टिंग नोड को। ये सिर्फ एक चेंज अंदर आनी है और इधर हमने लगा देना क्रॉस। मतलब ये वैसे हम सिंगली से अगर आपने सर्कुलर बनानी हो तो आज समझ, बाकी सारे का सारा काम वैसे ही है। जी सर जी। आगे अच्छा, अब अगर हम बात करें डब्ली की, डब्ली लिंक लिस्ट